हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। काफ़ी ज़्यादा आप लोग के कमेंट आए हैं, तो उन्हीं कमेंट का इस बारे रिप्लाई करने वाले हैं कि आखिर आप लोग के क्या क्वेश्चन हैं और क्या मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है, सर मेरे 17 नंबर आए हैं, OBC कास्ट से हूँ। देखिए सब, अगर आपके 17 नंबर आए हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड कैटेगरी में अभी इस वक्त हैं, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैंने सभी लोग को कहा है बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग को मैं आप लोग की पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और मैं AVU को मेल भी करूँगा और आप लोग के लिए लड़ाई भी लड़ूंगा आप लोग को क्वालिफाइड कराने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं अगले बच्चे की। अगला बच्चा कह रहा है, भाई मेरा OBC कैटेगरी 124 मार्क्स है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई भैया प्लीज़। देखिए, इस बच्चे को बता दूं, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपको 100% आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मेरे पास तो प्रूफ है, मैंने 119 पे पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया था, जो कि है आप लोग का आगरा का गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज को फिल कर देना, जिस अकॉर्डिंग मैंने आप लोग को बताया है चॉइस फिलिंग, उस अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले बच्चे की। अगला बच्चा है अनिल यादव, ठीक है। बहुत बच्चों के नाम नहीं लिखे हैं, तो आप मत सोचना कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन बच्चों के नाम यूज़र में लिखे हुए हैं उन बच्चों को मैं नाम से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अनिल यादव का क्या कहना है, सर काउंसलिंग कब तक चलेगी। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि काउंसलिंग आप लोग की चलने वाली है 27 तारीख, ठीक है, 27/6/2024 तक आप लोग की काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद आप लोग का बंद हो जाएगा, ठीक है, पोर्टल। उसके बाद आपका 30 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आएगा, और मैं इसके पहले बता दूंगा 30 तारीख के पहले कि किसको किस बच्चों को सीट अलॉट होने वाली है, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस बच्चे का भी रिप्लाई हो चुका। देखिए, सभी का रिप्लाई करना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कम से कम 1000 कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूं, ठीक है। एक बच्चा है कह रहा, सर EWS से हम कितने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट। देखिए, अगर EWS से आप हैं तो आपके कम से कम तो 120 प्लस होना चाहिए, तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप कितने नंबर हैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। विनय कह रहे हैं कि सर मेरे 61 नंबर हैं, SC कैटेगरी से हूँ, रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिखा है काउंसलिंग के लिए, मेरा एडमिशन हो पाएगा क्या। देखिए, अगर मैं आपको बता दूँ, आप तो SC कैटेगरी से हैं तो आपके 61 पे लिखा है नॉट क्वालिफाइड। बहुत बच्चे, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था जिसके 69 है, उसके पे भी नॉट क्वालिफाइड लिखा है। तो नॉट क्वालिफाइड वालों पे बहुत अच्छी वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि आखिर उनका क्या होने वाला है, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को भी मौका दिया जाए, कम से कम गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में आप लोग को एडमिशन मिले, ठीक है। अभिषेक कुमार कह रहे हैं, सर मेरे 53 नंबर हैं, SC कैटेगरी से हैं, क्या मैं नॉट क्वालिफाइड हूँ। मेरा देख लीजिए, इस बच्चे के 53 हैं, SC कैटेगरी से, आप ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा प्लीज़ बता दूँ। 53 पे जब बताओ नॉट क्वालिफाइड कर दिए हैं, ठीक है, तो ये क्या बताया जाता, 69 पे नॉट क्वालिफाइड कर दिए, 53 पे नॉट क्वालिफाइड कर दिए। आप लोग देख सकते हैं कितने कितने बच्चों को नॉट क्वालिफाइड किया गया है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको भी कॉलेज मिलेगा। इस बार मैं चाहूँगा तो नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग को कॉलेज के कट ऑफ गिराने को बोलूँगा, ठीक है, ठीक। तो एक बच्चा कह रहा, दिनेश जी कह रहे हैं कि ST कैटेगरी से 75 नंबर है, INC से मान्यता वाले कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा आपको, प्राइवेट मिलेगा, ठीक है। INC से अप्रूव्ड होंगे वही आप भर देना, कोई दिक्कत नहीं। INC से अप्रूव्ड हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता विशेष, ठीक है। अब बात करते हैं इस बच्चे की। देखिए, बच्चे का नाम नहीं लिखा है, स्वीट लिखा है, ठीक है। 116 नंबर OBC से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, मिल जाने को मैं बता दूं तो इस अभी भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप अभी काउंसलिंग कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आप लोग को आइडिया लग जाएगा किस अकॉर्डिंग आप लोग को कॉलेज मिलने वाला है। तो अभी काउंसलिंग कर दीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट भी गलत है ज़्यादातर, हाँ, रिजल्ट में कुछ गलतियाँ पाई गई हैं, ठीक है। बहुत बच्चों में परसेंटाइल सेम आ रहा है, अलग अलग कैटेगरी के हैं तब भी, ठीक है। OBC से 100 नंबर पर मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, नहीं, मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, 100 नंबर पे बिल्कुल मुश्किल है, तो बिल्कुल भी प्रयास ना करें, ठीक है। सर मैं 24 नंबर है, OBC से मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, प्लीज़ रिप्लाई मी बता दीजिए,
74 पे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज अगर आप अभी अप्लाई कर देते हैं तो आपको अभी मिल जाएगा। तो प्राइवेट के लिए कोशिश करें, गवर्नमेंट के लिए कतई भी ना कोशिश करें, ठीक है। 82 EWS से प्लीज़ कॉलेज प्राइवेट मिलेगा आपको, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज आप लोग को मिलेगा 82 है अगर आप SC EWS कैटेगरी से हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगले बच्चे की, अमित कुमार राज कह रहे हैं सर मेरे 107 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, कैसे मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है, पहली बात ये है, ठीक। और आपने ये नहीं बताया मुझे किस कैटेगरी से हैं, अन्यथा मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ। अगर आप SC से हैं और ST से हैं तभी गवर्नमेंट कॉलेज की अप्लाई करना, और अगर OBC से हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और जनरल से हैं तो आप कतई भी मत कोशिश करना। आप 112 नंबर हैं, पता नहीं किस कैटेगरी से हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कोई भी आपत्ति नहीं है, आपको भी कॉलेज मिल सकता है। 122 मार्क्स हैं जनरल से, EWS देखिए जनरल से हैं लेकिन EWS सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ठीक है। कैटेगरी रैंक इनकी 618 है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल यस, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, फर्स्ट सेकंड में नहीं मिलेगा, लेकिन थर्ड में आपको अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। सर मेरा 65 नंबर है, कॉलेज मिल जाएगा, पता नहीं आपके ने किस कैटेगरी का, सबसे पहले कैटेगरी भी मेंशन कीजिए, करिए किस कास्ट के आप लोग हैं, ठीक है, किस कास्ट के हैं, OBC से हैं या SC से हैं या जनरल से हैं, किस कैटेगरी से हैं वो भी मेंशन किया करिए, ठीक है। तो आपको कॉलेज मिल नहीं, आप नॉट क्वालिफाइड कैटेगरी में हो सकता हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं पता अभी, क्योंकि आपने कैटेगरी नहीं मेंशन किया, ठीक है। 72 नंबर हैं SC कैटेगरी से, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, देखिए गवर्नमेंट नहीं मिलेगा आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल भी आप अप्लाई ना करें गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। 69 नंबर हैं पर नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है SC कैटेगरी से, देखिए बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि ज़्यादातर नंबर आने पे भी उनका नॉट क्वालिफाइड में रखा गया है, तो बिल्कुल घबराए ना, मैं आप लोग के लिए लड़ता रहूँगा, ठीक है। अमर राय बोल रहे हैं सर EWS कैटेगरी से 101,185 परसेंटाइल, ठीक है, 86 क्या लिख रहे हैं आप लोग पता नहीं, 86 नंबर हैं, ठीक है। कैटेगरी रैंक इनकी इतनी है कि कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप किसी भी कैटेगरी से होते हैं तब भी आपको 86 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट के लिए अप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। सर मेरा 76 नंबर है SC कैटेगरी से, मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप क्वालिफाइड हैं SC कैटेगरी से, अगर आप 76 नंबर हैं तो आप क्वालिफाइड रहेंगे। सर पोस्ट BSc नर्सिंग की बेसिक नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में कुछ अपडेट बता दीजिए गुरुजी, बिल्कुल देंगे अपडेट, आप लोग से कहा कि मैंने कि आप Gmail पे मुझे मेल करें, ठीक है, तो आप लोग वहाँ करेंगे तो मैं आप लोग को अवश्य रिप्लाई करूँगा। OBC से 80 नंबर पर कुछ हो सकता है, यस हो सकता है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज आपको मिल सकता है 80 नंबर पर, अभी अप्लाई कर देंगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अन्यथा आप लोग को अच्छे कॉलेज की सीटें फिल हो जाएंगी। OBC से हैं 148 नंबर हैं, ठीक है, कैटेगरी रैंक 431 है, KGM में मिल जाएगा, बिल्कुल 100% आप निश्चित होकर अप्लाई कीजिए, आपको कोई KGM मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेरा कुछ होगा 59 नंबर हैं, किसी भी आप कैटेगरी में 59 नंबर अगर हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड हो पहली बात अभी, और आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आप लोग सभी की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और आप लोग को जल्द से जल्द बहुत जल्द अपडेट देने वाला हूँ नॉट क्वालिफाइड वालों पे, ठीक है। तो ये सब हो गया। हिमांशु ब्लॉग बोल रहे हैं 78 SC कैटेगरी से हूँ, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ प्राइवेट कॉलेज आपको बिल्कुल मिल जाएगा, आप SC कैटेगरी से अप्लाई कर दीजिए, आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। सर मेरे 84 नंबर हैं आए हैं, OBC से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, प्लीज़ बता दीजिए, नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप इस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कतई भी अप्लाई ना करें, ठीक है, पता नहीं क्या, प्लीज़ बता दो, ठीक। सर मेरे 53 नंबर हैं, कहीं एडमिशन होगा, अभी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आपको क्वालिफाइड करा के सभी को मैं आप लोग की काउंसलिंग कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल मैं अपडेट दूंगा पोस्ट बेसिक नर्सिंग पर, ठीक है। सर मेरे 88 नंबर हैं, SC कैटेगरी से हूँ, मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। सर मेरे 91 नंबर हैं सीनेट एग्ज़ाम में, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो
तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट के लिए अप्लाई कर देना, गवर्नमेंट के लिए कतई भी प्रयास ना करना। ठीक है सर, मेरे 70 नंबर हैं, ओबीसी कैटेगरी से हूँ, प्लीज़ बता दीजिए। अभी तो आप नॉट क्वालिफाइड कैटेगरी में होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप अभी 70 नंबर हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड होगी। ठीक है, तो आपसे बता दूँ मैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है आपको स्टे राउंड वन में आपको क्वालिफाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको स्टे राउंड वन में क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक, और मैं कमेंट ले लेता हूँ, काफ़ी लोग के कमेंट हैं, काफ़ी लोग के कमेंट हैं तो मैं रिप्लाई करना चाहूँगा। देख लीजिए सर, मेरे 92 नंबर हैं, एससी कैटेगरी से हैं, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? तो आपको अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको मुश्किल है मिलना। ठीक, एससी कैटेगरी से हों चाहे ओबीसी से हों, कम से कम आपके 100 नंबर से अब तो होना ही चाहिए, 100 से अब हैं तभी आप गवर्नमेंट के लिए समझिए एक तरीके से एलिजिबल हैं, ऐसे आप प्राइवेट को ही अप्लाई करें। ठीक है, हेलो सर, मेरा 24 में 150 नंबर आया है, केजेबी मिल सकता है? देखिए जनरल कैटेगरी से हूँ मैं, आपको बता दूँ केजेबी में आपको 150 नंबर हैं। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपको फर्स्ट राउंड में नहीं, आपको मॉप अप राउंड में केजेबी मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉप अप राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट आपको केजेबी। ठीक है, 110 पर गवर्नमेंट कॉलेज का चांस मिल सकता है क्या? 110 आपके हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आप चाह रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा ये मैं आप लोग को आने वाले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर, मेरे 71% है, 71, अच्छा वो दूसरे वो तो स्टूडेंट डिफिकल्टी का हुआ है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से 87 है, 87 है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको कोई भी परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। सर मेरा 66 नंबर है, मैं नॉट क्वालिफाइड हूँ जनरल से, प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है? अभी तो आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग अभी नॉट क्वालिफाइड कैटेगरी में हो, कुछ समय के बाद आप क्वालिफाइड की कैटेगरी में आ जाओगे। कैसे आओगे सब मैं आप लोग को बताऊँगा। एक बच्चा बोला है एससी कैटेगरी से 104 नंबर हैं। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप स्टे राउंड तक वेट कीजिए, लेकिन काउंसलिंग आप करते रहिए। ठीक है, आपको मिल सकता है, चांस हैं। ठीक है, 100 नंबर हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आई गॉट 125 ओबीसी, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आप आराम से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर दीजिए, जिस तरह मैंने आप लोग को बताया है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, नेहा वर्मा 125 हैं, ओबीसी कैटेगरी से एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आप अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 109 नंबर हैं, स्कोर किया है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, पता नहीं आपकी किस कैटेगरी में हैं, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मिल सकता है, लेकिन आप अगर एससी से हैं तो आप अप्लाई कर देना, और एसटी से हैं तो आप अप्लाई कर देना, मिलने के चांस आपके हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, कैटेगरी मेंशन किया करिए, ठीक है, जिसमें कि मुझे आसानी हो बताने में आप लोग को, कैटेगरी नहीं मेंशन करेंगे तो मैं कैसे आप लोग को बताऊंगा। ठीक है सर, मैं जनरल से हूँ, जेएनएम के बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहता हूँ। ठीक, 80 नंबर हैं गवर्नमेंट, 84 नंबर हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए इनका कहना है कि इन्होंने जेएनएम के बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए अप्लाई किया था, इनके 84 नंबर आए हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग में बहुत कम ही बच्चे होते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आपको मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले बच्चे की, जो कह रहा है सर मैं ओबीसी से हूँ, 100 नंबर है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो देखिए अभी चांस आप लोग के कम है, बिल्कुल परेशान मत होइए, जब भी आप लोग के चांस आएंगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सूरज यादव कह रहे हैं कि सर मेरे ओबीसी से हूँ, 112 नंबर हैं, कोई कॉलेज मिल सकता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई मी। गवर्नमेंट तो अभी मिलने के कम चांस हैं, लेकिन आप प्राइवेट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तुरंत आपको टॉप से टॉप कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, निखिल पाल कह रहे हैं, निखिल पाल कह रहे हैं ओबीसी से हैं, 86 नंबर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? नहीं, आपको नहीं मिलेगा, मैं स्पष्ट करता हूँ आप लोग को, जिन बच्चों को बता रहा हूँ नहीं मिलेगा, उनको कतई भी नहीं मिलेगा, प्रयास भी ना करें वो लोग। ठीक है, 96 नंबर हैं, 96 नंबर हैं आए हैं, मुझे कॉलेज कौन सा मिलेगा?
प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ध्यान देना आप, प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा, आप गवर्नमेंट के लिए कतई भी अप्लाई ना करें, ठीक है। मधु यादव कह रही हैं उनके 109 नंबर आए, ओबीसी कैटेगरी से हैं, रैंक कितनी है, ठीक है, ओपे रैंक कितनी है और कैटेगरी रैंक कितनी है, लखनऊ का टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, बाबा सोसाइटी मिल जाए, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान हो तो ये आप बाबा सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी, ये पिछली बार मैंने दिलाया था जो एक बच्चे की जनरल से थे, ठीक है, जनरल से थी लेकिन उसके नंबर थे यहाँ पे 108, उसको मैंने दिलाया था, आप मुझे याद आ गया है, ठीक है, आपने बाबा सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी बोला तो मैं आपको बता दूँ आपको ईजिली मिल जाएगा प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है मधु यादव। ठीक है, अब बात करते हैं अगले बच्चे की, संजना है जो कि सर मेरे एनएम में एनएम का पेपर दिया था 100 नंबर का, हमारे 41 नंबर आए हैं एससी कैटेगरी से, तो आप एनएम में दिए थे, ठीक है, तो मुझे नहीं पता आपका क्या है, ठीक है, 117 नंबर आए एससी से, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है समझिए, तो आपको बता दूँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और अगर आप मेरे थ्रू काउंसलिंग करते हैं तो आपको आसानी से आसानी कॉलेज मिल जाएगा। 86 नंबर हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, प्राइवेट के लिए ही अप्लाई करें, ठीक है। क्या सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी, देखिए आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कीजिए आपको कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट के लिए मत कीजिए, ठीक है। 118 नंबर हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है आपको, अप्लाई कर दीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी से हैं तब भी आप, ठीक है। 108 नंबर हैं ओबीसी कैटेगरी से, गवर्नमेंट या प्राइवेट, आपको प्राइवेट मिलने के ज़्यादा चांस हैं अभी, और एसटी राउंड तक अगर आप वेट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट भी मिलने के चांस बढ़ सकते हैं, ठीक है। 121 नंबर हैं ओबीसी से हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कीजिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार आपको बता दूँ जनरल कैटेगरी से था 119 नंबर थे, ठीक है, तो उसको मैंने आगरा का कॉलेज दिलाया था, आगरा का, ठीक है, तो आप भी अप्लाई कर दीजिए, आपको भी मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। के जी में प्राइवेट कॉलेज है क्या भैया? नहीं नहीं, के जी में गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान दीजिएगा, के जी में गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है, उसकी फ़ीस भी मैं आप लोग को बता दूँ 43 के अराउंड पड़ती है, ठीक है, पर ईयर 43,000, ठीक है, पर ईयर की पड़ती है, और अगर आप बी एस सी नर्सिंग कहीं प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो लगभग आपका 1,00,000 पड़ जाएगा, 1,00,000 पड़ जाता है लगभग, ठीक है, अलग अलग कॉलेजों में डिपेंड करता है, ठीक है। सीनेट में 103 नंबर आए हैं एससी कैटेगरी से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, देखिए 103 नंबर आए हैं, ठीक, तो अभी आप वेट कीजिए, हो सकता है आपके चांस बढ़ जाएँ, लेकिन आप प्राइवेट के लिए अगर अप्लाई कर देते हैं तो प्राइवेट आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। क्या आप 103 नंबर आए हैं आप ही हैं क्या? 117 नंबर हैं ओबीसी से, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के मिल जाएगा 13 राउंड तक, क्या मैं काउंसलिंग करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवाइए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। 142 नंबर है AWS से, टोटल नंबर है इतने, ठीक है, आपको अप्लाई कर दीजिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 92 नंबर है एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मिल सकता है क्या? तो आपको अभी चांस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। 120 नंबर हैं, एक मिनट रुकिएगा, 120 नंबर हैं, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले बच्चे की, सर 161 नंबर हैं, नॉट क्वालिफाइड लिखा है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो अभी बिल्कुल मत परेशान होइए, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो मैं आप लोग को अवश्य बताऊँगा, ठीक है। 133 नंबर आए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक, बिल्कुल आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, आपको मिल जाएगा किसी भी कैटेगरी से, अगर आप हैं किसी भी कैटेगरी में, आप को ये भी बताना जनरल कैटेगरी से अगर भी आप हैं तो अब भी आपको मिल जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उन लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, आप लोगों को कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। 114 नंबर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मिलने के चांस हैं क्या? बिल्कुल, आपको 114 नंबर हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्लीज़ सर मुझे के जे यू में दिला दीजिए प्लीज़। मैं कैसे दिला दूँ, आपने नंबर तो नहीं बताया कितने आपके कॉलेज नंबर, देखिए हाँ पता चल गया आपके नंबर, ठीक है, आपने कमेंट काफ़ी किया है। सर मुझे के जे यू में चाहिए 125 नंबर ओबीसी से, हाँ देखिए अभी नहीं मिलेगा लेकिन स्टे अराउंड सेकेंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है, के जे यू
अगर आप चाह रहे हैं KGMU के, लेकिन अभी KGMU का इंतजार ना करें, ऑल के लिए अप्लाई कर दें, अंतक KGMU की सीटें भर जाएंगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, पासवर्ड डालने में नहीं खुल रहा रिजल्ट, इनका रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा है, अभी तक इतना टाइम हो चुका है। तो आप रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा तो मेरा जीमेल दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मुझे मेल करें, मैं आप लोग का आपका ओपन कर दूंगा। ठीक है, 89 नंबर पर सिलेक्शन होगा कि नहीं, 89 नंबर आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, 76 नंबर हैं क्या गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, मैं आप लोग बता दूँ प्राइवेट कॉलेज मिलेगा आपको। ठीक है, 68 नंबर हैं एडमिशन हो जाएगा, अभी तो आप किसी भी कैटेगरी से अगर 68 नंबर हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड हो गए। ठीक है सर, नॉट क्वालिफाइड वालों को कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, हेलो सर, मैं इसी कैटेगरी 102 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप वेट कीजिए, स्टे राउंड सेकंड तक आपको मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। SC से 57 नंबर हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड कैटेगरी में, पहले ही बता दूँ मैं आप लोग को। ठीक है, स्नेहा तिवारी बोल रही हैं, जनरल्स कैटेगरी से हैं, 69 नंबर हैं, तो आपको पता तो मैं नॉट क्वालिफाइड हैं आप। ठीक है, काउंसलिंग के लिए तो आप अभी वेट कीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आप लोग के लगा हुआ हूँ। ठीक है, और जो भी कुछ सलूशन होगा मैं आप तक शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे 67 नंबर हैं, OBC से हूँ। ठीक है, तो आप अभी नॉट क्वालिफाइड कैटेगरी में हैं आप, क्योंकि 70 तक बच्चे नॉट क्वालिफाइड कैटेगरी में गए हैं इस बार। ठीक है, 71 तक भी गए हैं। OBC से 107 नंबर हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, स्टे राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सचिन कुमार बोल रहे हैं, ठीक है, SC कैटेगरी से हैं, 109 नंबर हैं, तो आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कीजिए, स्टे राउंड सेकंड तक आपको कॉलेज अलाट हो सकता है। ठीक है, विनीत कुमार हैं जो कि बोल रहे हैं 110 नंबर हैं में आपको कैटेगरी मेंशन नहीं करते, यही बहुत गलत चीज़ है आप लोग की। ठीक है, आप 110 नंबर से हैं तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा आसानी से, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई करते तो आपको मिल सकता है। ठीक है, 148 नंबर हैं, AWS कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज ममिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 148 नंबर, आपको KGMU मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। जनरल कैटेगरी से नंबर 90 नंबर आए हैं नॉट क्वालिफाइड, जनरल कैटेगरी से 90 नंबर आया है भाई, क्वालिफाइड काउंसलिंग को हम देखिए, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अप्लाई कर दीजिए, प्राइवेट कॉलेज अच्छा से अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। 116 नंबर पे हैं, आपको लखनऊ का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या, नहीं लखनऊ का कोई नहीं मिलेगा, और कहीं का मिल सकता है। ठीक है, लखनऊ का कोई नहीं मिलेगा, अगर लखनऊ में 3 ही कॉलेज हैं वो भी बहुत हाई लेवल के हैं, KGMU है आपका वो भी बहुत हाई लेवल का है। ठीक है, PGI है वो भी हाई लेवल का है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है वो भी काफ़ी हाई लेवल का है, तो ये सब आपको कॉलेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी बच्चा पूछ रहा है सर 38 नंबर हैं, काउंसलिंग कैसे करें, काउंसलिंग की मैंने वीडियो डाल दी है, अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं कल पूरी वीडियो डाल दूँगा, सेपरेट वीडियो कैसी कैसी काउंसलिंग आप लोग को करना है। 82 नंबर हैं, चॉइस फिलिंग बता दीजिए, चॉइस फिलिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है तो आप लोग उसको अवश्य देख लीजिए। 128 नंबर मिल सकता है कॉलेज, 128 नंबर हैं किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर देना, अवश्य आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 127 नंबर हैं, ओपन रैंक 4609 है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 80 नंबर आए हैं, कौन सा कॉलेज मिल जाएगा मुझे बता दीजिए, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, 80 नंबर हैं। ठीक है, और 113 नंबर हैं, आप OBC कैटेगरी से हैं, 90% समझिए आपकी है। ठीक है, 89.8 है तो आपकी 90% है, तो आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, आपको फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं तो थर्ड में आपको ज़रूर मिल जाएगा, यानी कि माँ बाप राउंड में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, 88 नंबर हैं, क्या हमें कॉलेज मिल सकता है, हाँ मिल जाएगा आपको, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है किसको किसको प्राइवेट मिलेगा। ठीक है, कैटेगरी है इनकी जनरल। ठीक है, 133 नंबर आए हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आसानी से आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ बच्चे देखिए मेंशन किया है रैंक, देखिए जनरल रैंक को मैं लिखा है 2500 रैंक है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से आप मुझे नहीं पता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने मार्क्स भी लिखिए करिए और कैटेगरी भी मेंशन कीजिए करिए किस कैटेगरी में है, तो आपको मैं इजीली बता दूंगा। ठीक है, 77 नंबर हैं। ठीक है, OBC से बिलोंग कर दें तो आपको प्राइवेट कॉलेज अवश्य मिल जाएगा। ठीक है सर, मेरे 84 नंबर हैं,
ओबीसी से हो तो आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर दीजिए, अच्छा से अच्छा कॉलेज आपको प्राइवेट मिल जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो में इतना ही रिप्लाई करते हैं, अगले वीडियो में मैं आप लोग का रिप्लाई करना चाहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।